there were some people who covered their face with scarf, and we thought they are Talibans perhaps. ये जो वाकया गोजरा का हुआ है और जो कोराई में और जो रेलवे कॉलोनी में जो हुआ है उसकी हम न सिर्फ मैं बतौर वजीर आजम के उसकी मजम्मत करता हूँ, पूरी 17 करोड़ आवाम उसकी मजम्मत करती है। की रिपोर्ट की रोशनी में जो भी सिफारिशात होंगे अगर मैंने उसके ऊपर अमल ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गोजरा में पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटीज के खिलाफ जो हमले हुए उसके बाद जो पुरतशद्दद वाकयात का सिलसिला देखने में आया वो सब कुछ आपके सामने है। उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता बिकॉज हमें अब तक ये मालूम है कि हमेशा ही की तरह जो इल्ज़ामात लगाए गए वो गलत थे और दर हकीकत बहुत से अनासर ने हमेशा की तरह अपने माशी और अपने सियासी जो इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए इस किस्म की वायलेंस पैदा की। सवाल ये पैदा होता है कि गुज़िश्ता 30 बरस में अक़लियतियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस किस्म के हमले और इस किस्म की वायलेंस जो है उसमें बतदरीज इजाफा देखने में आया है। इसके बावजूद पाकिस्तान की मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटीज और पाकिस्तानी रियासत इस किस्म की वायलेंस को, तशद्दुद को, इस किस्म की दहशत गर्दी को रोकने में ये अक्सर नाकाम नजर आती है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि 1980 की दहाई में पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज में जो तरामीम की गई, जो तब्दीलियां लाई गई, उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट पैदा किया है जो इस किस्म की वायलेंस को, इस किस्म के तशद्दुद को जन्म देता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है हम बात करेंगे इस हवाले से, और फिर ये कि इसका वे आउट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है और मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या कर सकती है। मैं समझता हूँ ये एक खालिस्तन मुस्लिम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आज की इस बहस के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया। मैं समझता हूँ ये अंदरून खाना बहस है जो हमें अपने आप में आपस में करनी है। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं इजाजुल हक साहब, एक्स मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर्स और माइनॉरिटीज़ के, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में। मेरे साथ ही नाज़रीन तशरीफ रखते हैं सेनेटर प्रोफेसर इब्राहिम जमात इस्लामी से, मैं आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर जफर अल खान साहब, ऑथर हैं, इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के हवाले से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और मुझे ऑनलाइन फ़ोन पर ज्वाइन कर रही हैं असमा जहांगीर साहिबा जो यूनाइटेड नेशन की रैपोर्टर हैं फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, इससे पहले चेयरपर्सन रह चुकी हैं ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मैं आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और स्ट्रेट अवे मैं डिस्कशन का आगाज़ स्टूडियो में करता हूँ इजाजुल हक साहब से। इजाज साहब, ये जो वायलेंस के अटैक्स, आप रिलीजियस अफेयर्स के अलावा माइनॉरिटीज़ के भी आप मिनिस्टर हैं अफेयर्स के, और ये जो वायलेंस देखने में आई जिसमें बतदरीज इजाफा हुआ गुज़िश्ता 30 बरस में, इसकी फ्रीक्वेंसी में इतना इजाफा क्यों हुआ जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पहले 30 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें इस किस्म की वायलेंस नज़र नहीं आती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और पहली बात तो ये कि ये बड़ा बायस शर्मिंदगी हम सब के लिए जो कुछ हुआ, और इसके जो इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक इस्लामी रियासत के अंदर अगर मनॉरिटी को तहफ़ ना दिया जाए, और ख़ुसूसी तौर पर जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म का वो कॉल आपको मालूम है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और योर मॉस्क और योर चर्चेस, यानी इस बेसिस पे पाकिस्तान बना था, और इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम आए और उनकी इबादत का टाइम आया तो मस्जिद नबवी के अंदर उनको जगह दी इबादत करने के लिए, यानी इस्लाम यहाँ तक जाता है। और फिर बहसीत मुसलमान मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ ताकि ये सबको ये बात समझ आनी चाहिए कि मेरा दीन मुकम्मल ही नहीं होता जब तक कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ना लाऊं, जब तक मैं उन किताबों पे ईमान ना लाऊं, अंजील पे, तौरात पे, तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। ये जितने वाक़यात हुए हैं ठीक है, इसमें कुछ शिद्दत आई जबकि ये कार्टून्स वगैरह वहाँ पे छपे लोगों में जज्बात जो हैं वो बहुत उभरे इसमें, लेकिन ये तो सब बड़ा फेयरली रीसेंट मैं रीसेंट फिनोमेनन की बात कर रहा हूँ, इससे ज़रा ज़्यादा बढ़ता है। जो वाक़यात पेश आए अमूमन ये गलत फहमी की बिना पर पेश आते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैनुल मज़ाहिब पढ़ाया नहीं जाता कि किस तरह एक दूसरे के जो मज़हब हैं हमारे कितने वो मज़हब के करीब हैं उनको किस तरह से किया जाए। फिर जहालियत बहुत ज़्यादा है और जज्बातियत बहुत ज़्यादा है। दो वाक़या, जब मैं वज़ीर अक़लियती अमूर था, एक बहुत बड़ा वाक़या सांगला के अंदर हुआ,
जिसमें आपको मालूम है दो चर्चेस को जला दिया गया, एक स्कूल को जला दिया गया, और पूरी हमने इंक्वायरी की उस वाक्य की। एक वाक्य बहुत बड़ा उस जमाने में हुआ सक्खर के अंदर, जहाँ पे गिरजे को। अच्छा, मेरा सवाल तो देखिए जासब ये था कि गुज़श्ता 30 बरस में इनमें बतदरीज बहुत इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में 1947 से लेकर 1980 की दिहाई तक इस किस्म के वाकया बहुत कम हुए, खास करके क्रिश्चियन माइनॉरिटी के खिलाफ तो कभी भी नहीं होते थे। नहीं, इक्का दुक्का वाकया जरूर होते होंगे, लेकिन इस शिद्दत इस नोयत के नहीं, जैसे कि आपने देखा कि पिछले 30 सालों में आपने कहा ये बढ़ते रहे हैं, और ये यही वजह है। इसमें खासतौर पर गोजरे वाले मामले में मैं आपको बताऊँ, ये तो लैप्स है बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब ये दोनों वाकयात हुए, दोनों गलत फहमी की बुनियाद पर, किसी ने कोई तौहीन रिसालत नहीं की थी इसमें, यानी ना सांगला में और ना सक्खर के अंदर। लेकिन उसको रोकने के लिए हमने जो इकदाम किए वो ये कि एक तो इंटरफेथ इंटरेक्शन होना चाहिए, दूसरा कमेटीज़ बनाई गई तमाम ज़िला के लेवल पर, जिसमें कि DCO, DPO, उलमाए कराम और जो भी मिनॉरिटीज़ उस ज़िले की हों उनके नुमाइंदे हों, और कुछ इस किस्म के वाकयात देखें और किसी को शक व शुबा हो तो फौरन इतला करवा दें। और फिर होम सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई हर प्रोविंस के अंदर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को और तीन माह बाद इस कमेटी की जो मीटिंग है उसकी रिपोर्ट पेश करें। और आपने देखा कि सांगला और सक्खर के बाद एक काफ़ी अरसा गुजरा जहाँ पर कई जगह अगर चेक ना किया जाता टाइम पर, जिस तरह के गोजरा में नहीं चेक किया गया तो रिएक्शन हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको चेक किया गया था, एक इंटरेक्शन था, फौरी तौर पे सबको बुलाकर बिठाया गया था, तो उन वाकयात को रोकने में मदद मिली थी। अच्छा, जरा मुझे इसमें अस्मा जहांगीर साहिबा को भी इस डिस्कशन में लेने दें। अस्मा, आप सुन रही हैं हमें? जी, मैं सुन रही हूँ। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। अस्मा, बहुत से एनालिस्ट ये महसूस करते हैं और ये बात इन प्रिंट है, ये लिखा जा चुका है कि ये जो माइंड सेट है वायलेंस का, अकलियतों पर हमलों का, इसमें इजाफा देखा गया 1980 की दिहाई के बाद, जब हमने अपने ब्लास्फेमी लॉस तो हमारे पहले से थे, लेकिन जब उनके अंदर हमने तरामीम की सेक्शन 295 से लेकर 298 के अंदर, और उसके बाद से एक ऐसा माइंड सेट पैदा हुआ जिसमें एक लेजिटिमेसी पैदा हो गई, एक्सक्यूज पैदा हो गया, जस्टिफिकेशन पैदा हो गई अकलियतों पर हमला करने के लिए, हमेशा उसमें कुरान करीम की हद तक का या पैगंबर इस्लाम की जो है हद तक है वो इल्जाम उसमें लगते हैं। आप कैसे देखती हैं इसको कि क्या इन लॉज का, ये जो हमारे ब्लास्फेमी लॉज की अमेंडमेंट है, इसका इस वायलेंस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आता है? देखिए, नजर तो इस तरह आता है कि पहले जो 295 या 295A थे, जो कि ब्रिटिश के जमाने में थे, वो पब्लिक ऑर्डर की वजह से बनाए गए थे। उनका जो क्रक्स था वो था कि पब्लिक ऑर्डर को महफूज रखना, और वहां पे डिप्टी कमिश्नर जो था वो सिर्फ शिकायत कर सकता था, आम लोग नहीं कर सकते थे। मगर पहले 1984 में कुछ कानून बनाए गए जो कि खसूसन अहमदियों के खिलाफ बनाए गए, फिर उसके बाद 1986 में 295C तक गए ये कानून, और उसमें आपको पता है पहले लाइफ थी और डेथ थी, उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि लाइफ नहीं हो सकती, सिर्फ डेथ हो सकती है। तो आप अगर इसको एनालिसिस करें और उसकी रिसर्च करें तो 1980 से पहले आपको दो केस लॉ सिर्फ मिलेंगे यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया, और एक सरप्राइजिंगली क्रिश्चियंस ने लगाया किसी और किसी किताब के ऊपर। मगर उसके बाद इतने इल्जाम लगे हैं और इतने लोग कत्ल हुए हैं, पुलिस की कस्टडी में कत्ल हुए हैं, जेलों में कत्ल हुए हैं, पूरी पूरी लोकेलिटी डिसलोकेट हुई है। और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज ये हमें समझ आने लगी है कि ये ज़्यादातर इल्ज़ाम जो हैं ये गलत होते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं क्योंकि बहुत सारे केसेस भी इस तरह के किए हैं और मुझे बड़ी थ्रेट्स भी और क्या हमले भी हुए हैं, कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेना और उसके ऊपर तुर्रा ये कि इल्ज़ाम लगाना मज़हब के नाम के ऊपर, मैं समझती हूँ ये खुद ही एक इतनी बड़ी बेहरमती है मज़हब की। अस्मा, हमारे साथ रहिए, हम इस मौके पर लेते हैं एक ब्रेक।